नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रामरेखा धाम एक पवित्र स्थान है। सिमडेगा जिला के अंतर्गत रामरेखा धाम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी के रूप में विख्यात है, जहां वर्ष में दो बार कार्तिक पूर्णिमा एवं माघ पूर्णिमा पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्रांत के श्रद्धालु पहुंचे और भगवान राम माता सीता की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण की कामना की है। इस मौके पर 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन नाम यज्ञ का भी आयोजन किया गया। नाम यज्ञ का आयोजन भुवनेश्वर पंडा के द्वारा संपन्न किया गया। यज्ञ के उपरांत भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भाग लिए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रामरेखा धाम के महंत उमाकांत दास जी महाराज ने लोगों को आशीर्वाद दिया एवं रामरेखा बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। उमाकांत दास जी महाराज ने कहा कि जगत के आधार भगवान प्रभु श्री राम है और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर ही पूरा विश्व शांति और सुखी बन सकता है। इसलिए हमें भगवान राम के बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और स्वयं के जीवन को उनके जैसा आदर्शवान बनाकर जीना चाहिए। हमारे जो गुरु महाराज थे, उन्होंने 1942 में रामरेखा धाम में आए और यहाँ का जो पूरा संपूर्ण रूप से हमने विकास यहाँ का की है। और गुरु महाराज का आशीर्वाद इस क्षेत्र के लिए बहुत भारी है, ताकि यहाँ का जो जन समाज को एक सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया था और आज भी हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।